रेवाड़ी में भी कांग्रेस ने आजादी गौरव भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया, जिस यात्रा में कांग्रेस के रेवाड़ी विधायक चिरंजी राव और पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक चिरंजी राव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तिरंगे का राजनीतिकरण ना करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान रहा था, जिनका मकसद है कि देश को एकता के सूत्र में बांधा जाए और हर कोई तिरंगे का सम्मान करे। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा ने कहा कि असामाजिक तत्व देश में धार्मिक जातिवाद फैलाकर तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, इसलिए कांग्रेस अलग अलग जगहों पर तिरंगा गौरव भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भी जानते हैं कि 75 साल पूरे होने जा रहे हैं इस 15 अगस्त को, तो उसी के ऊपर आज़ादी की गौरव यात्रा पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। जितने भी हमारे देश के शहीद हैं उनको नमन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसकी शुरुआत 9 तारीख से हुई थी और लगातार 15 तारीख तक हम इसी तरह की गौरव यात्रा पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर निकालते रहेंगे। आज पूरा देश जानता है कि अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान देश को आज़ाद कराने के लिए अंदर था तो वो कांग्रेस पार्टी का था, और उसी के तौर के ऊपर हम लोगों ने आज ये आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली है। हमारी कोशिश यही है कि लोगों के अंदर जो देश की भावना है उसको और ज़्यादा हम लोग इस अलग को जगाते रहें। कि एक दिन नहीं, जिस तरह से भाजपा की कोशिश रहती है कि भाई झंडे को भी राजनीतिकरण किया जाए, हम तो यही कहेंगे इस हमारा जो ध्वज है इसका सम्मान जो है पूरे साल लोगों को करना चाहिए और सभी पार्टियों को इसका सम्मान। सामाजिक तत्व आज देश को तोड़ने पर जुड़ा हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। तो पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम भारत जोड़ो अभियान के तहत आज़ादी की गौरव यात्रा हर जिले के मुख्यालय पर, हर गांव में, हर देहात में निकालें। उसी कड़ी को लेकर के आज हम ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं।